हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं मेरे घर पे आया हूँ गांव में। यहाँ हमने काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के बोनसाई लगाए हुए थे। काफ़ी दिनों से ये एक साथ में पड़े हैं सभी बोनसाई कैक्टस। आज मैं इन सब की कटिंग करके अलग अलग से अच्छे से सेटिंग करूँगा। ये देखिए, मैं गांव में मेरे घर पे आया हुआ था। दोस्तों, मैंने इस बोनसाई को काफ़ी लंबे समय से शेप नहीं दी थी, तो आज मैंने इसकी प्रूनिंग करने का सोचा और मैं इसे अच्छे से प्रून करके साइड में रखूँगा ताकि ये अपनी प्रॉपर शेप में रहे व इसको धूप भी अच्छे से लगती रही। सभी के सभी प्लांट मेरे एक ही जगह रखे हुए थे, इसलिए वो अपनी शेप में भी नहीं है और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ भी ओवर हो गई है। तो हम इन सब प्लांट को प्रॉपर शेप में करेंगे ताकि ये देखने में भी अच्छे लगे। जो प्लांट मैंने मेरे घर पे गांव में लगा रखे हैं, मैं उनकी केयर अब बहुत ही कम कर पाता हूँ क्योंकि 5 से 6 महीने में एक ही बार गांव में आना होता है। जो मेरे घर पे लोग रहते हैं वो इसकी केयर अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको दूसरे काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। ये मेरा थेप्रो कैक्टस है और इसी के पॉट में मदर ऑफ 1000 प्लांट काफ़ी ग्रो कर गए हैं। आज हम उन्हें निकाल देंगे और जो प्लांट मेरे पास कटिंग से एक्स्ट्रा होंगे वो हम किसी को दे देंगे ताकि वो भी इन्हें अच्छे से ग्रो कर सके। ये मेरा दूसरा बोनसाई है, इसकी भी बहुत ज़्यादा प्रूनिंग करने की नीड है क्योंकि इसे भी लंबे समय से प्रून नहीं किया गया है। समय समय पर आप अपने बोनसाई की कटाई छटाई करते रहें ताकि वो अच्छे से शेप में दिखे। पूरा काम कंप्लीट होने के बाद, अच्छे से गार्डन की अरेंजमेंट करने के बाद, मैं एक वीडियो और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि मेरा गार्डन कैसा दिखता है। लंबे समय तक इसकी केयर ना कर पाने की वजह से सभी प्लांट डी शेप हो चुके हैं और कुछ ओवरग्रो हो चुके हैं, तो आज मैं इन सब को मेंटेन करके अपनी जगह पर सेट कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को भी फॉलो कर लें और मेरे वीडियो को भी लाइक करें। उम्मीद करते हैं आप और आपके प्लांट स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। धन्यवाद।